अयोध्या के साथ 1 नवंबर को दीपावली, विद्वान ज्योतिषाचार्य की धर्म सभा में हुआ निर्णय। इंदौर में आज शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में रखी गई थी धर्म सभा। पुनः एक बार सभी विद्वान आचार्यों और विद्वान ज्योतिषों ने रखे अपने अपने मत। सभी मतानुसार 2 दिवसीय प्रदोष व्यापनी की वजह से 1 नवंबर को दीपावली का योग। बोले संस्कृत कॉलेज विभाग प्रमुख पंडित डॉ विनायक पांडे, 1 नवंबर को मनेगी दीपावली। विनायक पांडे ने इसकी वजह भी बताई। खजराना गणेश के मुख्य पुजारी अशोक भट्ट ने बताया दीपावली अयोध्या के साथ 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। यहाँ पर देश के स्वनाम धन्य विद्वान और जो ज्योतिष के विद्वान हैं, पंचांगों के विद्वान हैं, उन सबने मिलकर के सार्वजनिक और सामूहिक रूप से सर्वसम्मत धर्मशास्त्र से अनुमोदित निर्णय यह लिया है कि दीपावली हर दृष्टि से 1 नवंबर 2024 को ही मनाना उचित होगा और 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। पूरे देश में एकमत से यह निर्णय हो चुका है। इस निर्णय का आधार हमारे धर्मशास्त्र हैं और इस देश से निकलने वाले लगभग 95% पंचांग हैं जिन्होंने एक मत से सारा शास्त्र सम्मत निर्णय करते हुए दृश्य गणित पर आधारित और हमारे जो अन्य पंचांग हैं, जो ग्रह लाघवी आदि हैं, उनमें से भी अधिकतर अनेक पंचांगों ने यह निर्णय दिया है कि 1 नवंबर ही श्रेष्ठ है। और उसका कारण है पुरुषार्थ चिंतामणि, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, कृत्यसार, तिथि निर्णय आदि जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का स्पष्ट रूप से यह निर्देश है कि यदि 2 दिन प्रदोष व्यापिनी तिथि व्याप्त होती है तो उस दिन दूसरी वाली तिथि को ही मनाया जाए। प्रथम दिन 31 अक्टूबर को हमारी अमावस्या लगभग 4 बजे के आसपास शुरू हो रही है और दूसरे दिन 6:17 तक अमावस्या रहेगी। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में यदि 1 घटी भी वो अमावस्या रहती है, 1 घटी तो दूर है, यदि 1 पल भी अमावस्या रहेगी तो हमारे धर्मशास्त्रों के निर्णय अनुसार यदि 3.5 प्रहर तक ये अमावस्या व्याप्ति होती है तो उसी दिन अर्थात 1 नवंबर को ही दीपावली मनाना श्रेष्ठ, सब लोगों के कल्याण के लिए उपयुक्त और सर्वसम्मत है। अयोध्या में 1 नवंबर को मनाने की उद्घोषणा हो चुकी है, इसमें कोई संशय नहीं। और राजा राम के यहाँ जहाँ मन रही है वहाँ हम लोग मनाएंगे, हमारे उल्लास का त्यौहार है। यहाँ पर 95% पंचांग जो है, 95% पंचांग का निर्णय यही है कि 1 नवंबर को दीपावली पर्व मनाया जाए। और दीपावली पर्व के दिन उदयात में भी अमावस्या है और रात्रि में भी आधे घंटे से ऊपर की अमावस्या है, इसलिए इसको अमावस्या के रूप में लेना अत्यंत आवश्यक है, जिससे परिवार में धन धान्य की वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और मेरा सभी व्यापारी एसोसिएशन और सभी से निवेदन है कि 1 नवंबर की ही दिवाली मनाई जाए और भगवान श्री राजा राम जो कि अयोध्या में भी 1 नवंबर की ही मनाई जा रही है और दिवाली मनाने का यही कारण है कि अयोध्या में भी 1 नवंबर की दिवाली है तो इंदौर में भी 1 नवंबर की दिवाली और सारे देश में 1 नवंबर को ही दिवाली मनाई।